बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, तो ये आज ही पेपर हुआ है, सब इंजीनियर का ये पेपर है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ये पेपर हुआ है। फुल पेपर तकरीबन मेरे पास मौजूद है, लेकिन दो तीन पेजेस इसमें से मिस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज वन लिमिटेशन ऑफ द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर डज द शेयर फोर्स एक्ट मैक्सिमम। 27 करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी आता है, फिक्स्ड एंड जो। 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंपल सपोर्ट। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू रोटेशन। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स टाइपिकली डिटरमाइंड। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, फोर्सेज एक्टिंग अपवर्ड और पॉजिटिव, फोर्सेज एक्टिंग डाउनवर्ड और नेगेटिव। ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बेंडिंग मोमेंट इज डिफाइंड एज। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी आता है कि द टोटल सम ऑफ मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बीम इन एनी डायरेक्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि द कंप्रेशन टेस्ट इज कॉमनली परफॉर्म यूजिंग। करेक्ट आंसर क्या आता है 31 में? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, कंप्रेशन एक्टिंग टेस्टिंग मशीन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कंप्रेशन टेस्ट द स्पेसिमेन इज। करेक्ट आंसर क्या आता है 32 में? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, सिलेंड्रल इन शेप। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो बिटवीन। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 के फोर्स एंड आर लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, स्ट्रेस। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ऑफ वे आर ओ डब्ल्यू रेफर टू। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है कि द विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर ए फुटपाथ। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अ बीम इज। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है कि अ रॉय स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड अलोंग द साइड ऑफ ए रोड। ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रोड पेवमेंट रिक्वायर्स जॉइंट्स एंड हैज अ लॉन्गर कंस्ट्रक्शन टाइम। 38 करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है, कंक्रीट रोड। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रोड पेवमेंट इज सुटेबल फॉर लाइट ट्रैफिक। 39 करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है, बिचमिनियस रोड। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज द क्यूरिंग पीरियड टाइपिकली लास्ट फॉर ए कंक्रीट रोड बिफोर इट्स इज ओपन फॉर ट्रैफिक। 14 डेज से लेकर 30 डेज तक होता है। ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जॉइंट्स इन अ कंक्रीट रोड। 41 जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आता है, टू प्रिवेंट क्रैकिंग एंड अलाउ फॉर एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सपेंशन जॉइंट्स फिल्ड विद इन द स्ट्रिप मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अ कंक्रीट रोड। 42 जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, फिलर मटीरियल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ सब बेस कोर्स अंडर अ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। करेक्ट आंसर क्या आता है 43 में? ऑप्शन ए आता है, टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट। 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर साइड ड्रेन्स इन अ टनल फॉर इफेक्टिव ड्रेन जो।
44 जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन डी आता है 1 to 50। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ इज द मेन टनल एक्सिवेटेड इन द पायलट टनल मेथड। करेक्ट आंसर क्या आता है 45 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्मॉल टनल्स विद डायमेंशन नॉट एक्सीड 3 मीटर। 46 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए आता है फुल फेस मेथड। 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर डैम प्रूफ सीमेंट डीपीसी। करेक्ट आंसर क्या आता है 47 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है सीमेंट कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए डैम प्रूफ कोर्स लेयर। 48 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है 2.5 सेंटीमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वॉल इज सुटेबल फॉर मोस्ट सबसॉइल एंड जनरेट्स मिनिमल वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। 49 करेक्ट आंसर जो आता है, ऑप्शन ए शीट पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज्ड टू फॉर्म असर्टेन एंड कट ऑफ वॉल इन हाईली परमेबिलिटी सॉइल्स। 50 जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है ग्रूट इंजेक्शन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि शेलो फाउंडेशन आर करिस्टलाइज्ड बाय। करेक्ट आंसर क्या आता है 51 में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है देयर डेप्थ बीइंग ग्रेटर देन देयर विड्थ। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ इज अ वाइब्रो पाइल इंस्टॉल्ड। करेक्ट आंसर क्या आता है 52 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है इट इज वाइब्रेटेड इन टू द ग्राउंड टू डेंसीफाई द मटीरियल, ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ फ्रेंकी पाइल्स। करेक्ट आंसर क्या आता है 53, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है अ कोलेप्सिबल स्टील पाइल कवर इन इनकेस्ड इन द थिन स्टील शेल विद इन ड्राइवन टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। 54 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोफाइल प्लान ऑफ प्रोजेक्शन इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग दी। करेक्ट आंसर क्या आता है 54 में, ऑप्शन बी फ्रंट व्यू। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ स्टील पाइल इज कॉमनली यूज फॉर सी वॉल्स कॉफर डैम्स एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन। करेक्ट आंसर क्या आता है 55 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है शीट पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर यूजिंग CMUS इन कंस्ट्रक्शन। 56 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी आता है ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू डैमेज ड्यूरिंग नेचुरल हैज़र्ड्स। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है कि होलो कंक्रीट ब्लॉक्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी आता है ऑल ऑफ दीज। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ शोल्डर कॉर्नर ब्लॉक्स बी लेड व्हेन कंस्ट्रक्शन विद कंक्रीट ब्लॉक्स। 58 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है दे शुड बी पोजिशनड विद द करेक्ट फिनिश्ड एंड्स। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी मेक फेरस मेटल सुटेबल फॉर यूज इन अप्लायंस एंड इंजंस। करेक्ट आंसर क्या आता है 59 में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 60 नंबर क्वेश्चन है नॉन फेरस मेटल्स आर जनरली मोर डेंस देन फेरस मेटल्स। करेक्ट आंसर क्या आता है 60 में, ऑप्शन बी कोरोजन रेजिस्टेंट। 61 नंबर क्वेश्चन है कि राहिल इज गेटिंग डैश द कार। करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए गेटिंग आउट ऑफ द कार, ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नायला इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन डैश फैशन डिजाइनिंग और प्रिंट मीडिया। करेक्ट आंसर क्या आता है 62 में, ऑप्शन ए नेदर फैशन डिजाइनिंग एंड ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63।
We could save money if we bought dash food items. करेक्ट आंसर क्या आता है 63 में ऑप्शन सी इकोनॉमिकल. 64 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉस कैन नॉट कम टू सी यू डैश टुमारो. करेक्ट आंसर क्या आता है 64 में ऑप्शन सी अनलेस. 65 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट द वर्ड विद अ करेक्ट स्पेलिंग. 65 जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी द ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. 66 नंबर क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का अपोजिट मीनिंग क्या है. करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए आता है असिस्टेंस. 67 नंबर क्वेश्चन है कि शी विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर. तो इसको चेंज करना है किस चीज़ में, पैसे वाइज में. तो करेक्ट आंसर क्या लगेगा 67 ऑप्शन सी कि द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज बाई हर ऑप्शन सी. 68 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेविटी पुल डैश एंड डैश. तो करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है कि मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है. 69 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग. 69 करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है जॉन फिनिश्ड ऑल हिज वर्क एंड कैथलीन डिड नॉट फिनिश हर्स. 70 नंबर क्वेश्चन है कि डैश बसेस आर सपोज टू डिपार्ट एट अ सर्टेन आवर, दे आर ऑफन लेट. करेक्ट आंसर क्या आता है 70 में ऑप्शन सी इंस्पायर्ड. 71 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग स्टेराइल. करेक्ट आंसर क्या आता है 71 में ऑप्शन सी फर्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. अलाई हैज नो लेग. तो ये क्या है. करेक्ट आंसर क्या आता है 72 में ऑप्शन ए की मेटाफर है. 73 नंबर क्वेश्चन है कि द वैन डैश व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर होम. करेक्ट आंसर क्या आता है 73 में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है हैड जस्ट लेफ्ट. नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 74. 74 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड विस्पी इन द फॉलोइंग. 74 करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है 10. 75 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन डी यानी आइडिया एन आइडिया लगेगा एन आइडिया ऑप्शन ए लगेगा एन आइडिया ऑफ ए रिशेपिंग अ बिल्डिंग वॉज अनप्रेजेंट ऑप्शन ए. 76 नंबर क्वेश्चन है कि शी साइड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग. चेंज द नरेशन. तो करेक्ट आंसर क्या आता है 76 में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है कि शी आस्क्स मी व्हाट आई वाज वेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77. 77 नंबर क्वेश्चन है कि एज आवर रूम वाज अपस्टेयर्स सो वी डिड नॉट हेयर देम. करेक्ट आंसर क्या आता है अननेसेसरी वर्ड जो है इस सेंटेंस में वो कौन सा है 77 ऑप्शन ए है सो. 78 नंबर क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक्स लीन्स डैश डेमोक्रेसी. 78 जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी टुवर्ड्स. 79 नंबर क्वेश्चन है कि पीपल क्रॉस्ड द ब्रोकन ब्रिज डैश वेयरिंग इन स्पाइट ऑफ ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि साउंडिंग द सेम बट स्पेल डिफरेंटली इज नोन एज. तो इसको क्या कहा जाता है 80 में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है होमोफोनस कहा जाता है. 81 नंबर क्वेश्चन है कि द करेंसी ऑफ वियतनाम इज. वियतनाम की करेंसी का नाम क्या है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है डंग. 82 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाइट सिटी इज द डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट आंसर क्या आता है 82 में ऑप्शन डी बेलग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ लीबिया इज नोन एज. करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन सी जनरल पीपल कांग्रेस. 84 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड द तिब्बत. तो ये बल्तिस्तान ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है.
85 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी यूएसए। 86 नंबर क्वेश्चन है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, नॉन ऑफ दीज। 87 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस की इकाई है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हाउ मेनी किलोग्राम, ये इस तरह होगा कि 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम, तो इसमें 1000 आई थिंक होते हैं, इसको कन्फर्म कीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रुकन इस्लाम का मकसद इतिहादी आलमी इस्लाम है, तो ये नमाज है, ऑप्शन ए 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक रोज़े का फिदिया क्या होता है, तो एक रोज़े का फिदिया जो होता है कि वो मुसलसल रोज़े रखना या 60 मिसकिनों को खाना खिलाना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, 60 मिसकिनों का खाना खिलाना। तो फ्रेंड दी था पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल जॉब जिंदगी उसको सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।